अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज का फोर ट्यूटोरियल एंड द टॉपिक इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ स्टैंडर्ड मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मैट्रिक सिस्टम। हमारे मैट्रिक सिस्टम का जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है किसी यूनिट्स को लिखने का वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द नेम ऑफ दिस सिस्टम कैन बी शॉर्टेंड और एब्रीविएटेड टू SI। इस सिस्टम की जो शॉर्टकट फॉर्म है उसको हमने बोला SI। The 11th General Conference on Weights and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. Paris में 1960 में होने वाली जो General Conference थी, उस Conference में उन्होंने Weights and Measures को deal किया और उनके लिए एक ऐसा तरीका कार बनाया जो कि दुनिया में हर जगह पे use हो सके और हर measurement को लिख सके, हर measurement के साथ एक unit लगा सके। It is the only system of the measurements with an official status in nearly every country in the world. दुनिया में ये एक official status रखने वाला system था जिसमें हमने सारे units को इकट्ठा करके 7 units के साथ combine कर दिया, वो units जो major units जो हर एक measurement के साथ use हो सके। अब उन units की बात करते हैं कि वो कौन कौन से units थे इनको लेके हमने ये system बनाया। केल्विन टेम्परेचर के लिए हमने यूज़ किया, उसका सिंबल था के। मीटर यूज्ड फॉर डिस्टेंस एंड द सिंबल इज एम। एम्पियर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड द सिंबल इज ए। सेकंड यूज्ड फॉर टाइम एंड द सिंबल इज एस। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज़ किया गया एंड द सिंबल इज MOL। किलोग्राम यूज्ड फॉर मास एंड द सिंबल इज kg। कंडेला यूज फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द सिंबल इज CD। ये वो 7 यूनिट्स थे जिन यूनिट्स को कंबाइन करके हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बनाया और ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक मेजरमेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।